Good afternoon, all of you. Myself Shalu Gupta. Today's my topic is trichostomy. So, आज मैं trichostomy के बारे में बताऊंगी, इसकी definition क्या होती है, classification क्या होता है, cause क्या होता है, कौन सी tube कितने number की डालती हैं, preparation क्या होता है और procedure क्या होता है, caring क्या होती है. So, we get start now. Definition. Trichostomy एक surgical procedure होता है जिसमें हम artificial incision के through एक इंसीजन देते हैं ट्रैकिया में, जिसके थ्रू हम ट्रिकोस्मी ट्यूब इंसर्ट करते हैं ट्रैकिया में, जिससे पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीथ से रिलीफ मिलता है उसको और वो अच्छे से सांस ले पाता है. दैट इज़ अ ट्रिकोस्मी. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है. एमरजेंसी ट्रिकोस्मी. एमरजेंसी ट्रिकोस्मी क्या होती है, जब पेशेंट को इंटुबेट करते हैं, किसी वजह से इंटुबेट नहीं हो पाता ओरली और नेजल के थ्रू, तो हमें ट्रिकोस्मी करनी पड़ती है. दैट इज़ अ एमरजेंसी ट्रिकोस्मी. उसके बाद इलेक्टिव ट्रिकोस्मी. इलेक्टिव ट्रिकोस्मी क्या होता है कि हम पहले से प्लान कर लेते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्टिव ट्रिकोस्मी. टेम्परेरी ट्रिकोस्मी. ट्रिकोस्मी एक टेम्परेरी सल्यूशन होता है जिसमें पेशेंट को अगर एयरवे में स्वेलिंग है तो हमें टेम्परेरी ट्रिकोस्मी करते हैं. परमानेंट कब करते हैं, जब पेशेंट को कोई क्रिटिकल इश्यूज, जैसे कि पेशेंट कोमा में है या पैरालिसिस है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो हमें नीड पड़ती है परमानेंट ट्रिकोस्मी की. उसके बाद अब किन किन कारणों की वजह से ट्रिकोस्मी होती है, तो हमारे कारण है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एयरवे में, अपर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तब हम ट्रिकोस्मी करते हैं. रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है तब हम ट्रिकोस्मी करते हैं. ट्यूमर होता है तब ट्रिकोस्मी करते हैं. स्ट्रोक का पेशेंट हो तब ट्रिकोस्मी करनी पड़ती है. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तब ट्रिकोस्मी करनी पड़ती है. बर्ड डिफेक्ट हो तब ट्रिकोस्मी. या स्पाज्म ऑफ द वॉइस बॉक्स, मतलब लैरिंग्स में हमारे कोई स्पाज्म हो जिसकी वजह से, तब हमें ट्रिकोस्मी की नीड पड़ती है. ये तो हो गए किस कारण की वजह से हमें ट्रिकोस्मी करनी पड़ती है. अब बात कर लेते हैं ट्यूब की, कौन कौन टाइप की ट्यूब आती हैं. तो एक आती है सिंगल एंड डबल ल्यूमन. जो सिंगल ल्यूमन होता है उसका प्रयोग हम पीडिया में करते हैं, और जो डबल ल्यूमन होता है उसमें डबल ल्यूमन के थ्रू हम कई चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे हमें कोई प्रोसीजर करना है तो हम ब्रोंकोस्कोप एक तरीके से डाल सकते हैं, दूसरे से पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है. ओके, दूसरा है कफ एंड नॉन कफ ट्रिकोस्मी ट्यूब. कफ ट्रिकोस्मी ट्यूब जो होती है उसका क्या होता है, वो अच्छे से नीचे फिक्स हो जाती है जिससे पेशेंट का एयर लीक नहीं होती है. दूसरी है नॉन कफ. नॉन कफ का कब प्रयोग करते हैं, जब पेशेंट क्रिटिकल इश्यूज से रिकवरी रेट आने लगती, होने लगती है उसकी रिकवरी, तो जब रिकवरी होने लगती है तब हम नॉन कफ का यूज़ करते हैं. उसके बाद है फेनिस्ट्रेटेड. फेनिस्ट्रेटेड ट्रिकोस्मी ट्यूब का प्रयोग कब करते हैं, फेनिस्ट्रेटेड ट्रिकोस्मी ट्यूब क्या करती है, वो अंदर अलाउ करती है, एयर फ्लो को इंक्रीज करती है वॉइसिंग के लिए, इसलिए इसे फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब जो होती है उसको हम टॉकेटिव ट्यूब भी बोलते हैं. उसके बाद नॉन फेनिस्ट्रेटेड. जो नॉन फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब होती है उसका प्रयोग हम कोविड 19 पेशेंटों में करते हैं. उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कोई भी प्रोसीजर होता है तो उससे पहले हमें प्रिपरेशन करनी होती है कि क्या क्या प्रिपरेशन होनी है, हमारे पास क्या क्या नीड है, तो उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए. अब बात कर लेते हैं इक्विपमेंट्स हमारे पास क्या क्या होने चाहिए. तो इक्विपमेंट्स होना चाहिए, सक्शन कैथेटर होना चाहिए, ट्रिकोस्मी ट्यूब होनी चाहिए, रेसिटेशन बैग विद मास्क होना चाहिए, सक्शन मशीन होनी चाहिए, बीटाडीन सॉल्यूशन होना चाहिए, एनएस होनी चाहिए 9.09%, ये क्यूब होना चाहिए. उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होने चाहिए, निडल होल्डर होना चाहिए, सीजर होनी चाहिए और रिट्रैक्टर्स होने चाहिए, हुक होना चाहिए, डायलेटर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन नंबर की ट्यूब हम डालते हैं. अगर एडल्ट मेल है तो उसके में हम 8 या 8.5 की डालते हैं. अगर एडल्ट फीमेल है तो 7, 7.5 की डालते हैं. अगर बच्चा है कोई तो उसमें क्या, ये कई फॉर्मूला हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये है, एज अपॉन 4 + 4 कर देते हैं, उससे ट्रिकोस्मी ट्यूब डालते हैं. उसके बाद हम एनेस्थीसिया क्या देते हैं, प्रोसीजर है तो एनेस्थीसिया ऑब्वियस देंगे. तो एनेस्थीसिया में हम इसमें जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म करते हैं. जनरल लॉक्स, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया कब परफॉर्म करते हैं, जब एमरजेंसी ट्रिकोस्मी करनी होती है तब हमें लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं. उसके बाद बात कर लेते हैं उसकी पोजीशन की. पेशेंट को हम रोस्ट पोजीशन में रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को हम सुपाइन लिटार देते हैं, उसका जो नेक होता है वो हम हाइपर एक्सटेंसिव कर देते हैं. उसके बाद बात करते हैं इंसीजन की. इसमें हम दो टाइप के इंसीजन देते हैं, एक तो हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल. जो हॉरिजेंटल इंसीजन होता है
वो स्टर्नम नॉच के टू फिंगर ब्रीथ इंसीजन देते हैं, और जो हमारा हॉरिजेंटल इंसीजन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें स्कार्स के और ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। दूसरा हम इंसीजन देते हैं वर्टिकल, जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। वर्टिकल इंसीजन कहाँ देते हैं, वो मिड लाइन ऑफ द नेक एक्सटेंडिंग टू द कैरिकॉइड कार्टिलेज एंड जस्ट अबव ऑफ द स्टर्नल नॉच, मतलब स्टर्नल नॉच के जस्ट ऊपर जो हमारा कैरिकॉइड कार्टेज होता है वहाँ पे देते हैं इंसीजन। वर्टिकल इंसीजन के फायदे ये रहते हैं कि वो मैक्सिमम एक्सपोजर में मिनिमम ब्लीडिंग होती है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे करते हैं, फर्स्ट तो पेशेंट को हम पेंटिंग करते हैं, देन ड्रैप करते हैं पेशेंट को, उसके बाद स्किन इंसाइज करते हैं, देन सबक्यूट टिश्यूज इंसाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ के जो स्टैप मसल्स हैं उनको इंसाइज करते हैं, फिर जो आर्टरीज हैं उनको सिक्योर करके सक्शन करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे एक ट्रैकिया फेशिया होती है उसको इंसाइज करते हैं, उसके रिट्रैक्टर यूज़ करते हैं, रिट्रैक्टर्स मतलब लेगन बैग्स राइट एंड लेफ्ट यूज़ करते हैं, और जो हुक रिट्रैक्टर होता है वो अपर साइड रिट्रैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि 5 o'clock 7 o'clock राइट एंड लेफ्ट एंड 12 o'clock जिससे ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है और मिनिमम इंसीजन में ट्रैकोस्मी हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम ट्रैकिया की फेशिया को हटाते हैं देन एक डिस्पो ले लेते हैं 5 ml की, निडल पुश करके देखते हैं, पुश एस्पिरेट जब करते हैं अगर एयर आ गई देन वी नो कि वी आर इन ट्रैकिया, कि हम ट्रैकिया में हैं। फिर उसके बाद ट्रैकोस्मिक ट्यूब डाल देते हैं और उसको सिल्क 20 से सिक्योर कर देते हैं। ये हमारा प्रोसीजर हो गया ट्रैकोस्मिक। उसके बाद बात कर लेते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन की। कोई भी प्रोसीजर होता है तो कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, उसके ट्रैकिया के जस्ट पीछे हमारी इसोफेगस होती है तो इसोफेगस का डैमेज होने का खतरा रहता है, और उसमें नीमोथोरेक्स के बनने के चांसेस रहते हैं। ये ट्रैकोस्मी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब कोई भी प्रोसीजर होता है उसके बाद केयर, ट्रैकोस्मी ट्यूब की हम केयर कैसे करते हैं, सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है ट्रैकोस्मी ट्यूब की केयरिंग। केयरिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट होता है उसमें सक्शनिंग। सक्शन जब पेशेंट ऐसा लगता है घर 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 की आवाज़ आने लगती है तो हमें सक्शन करना पड़ता है। सक्शन से क्या होता है कि जितना सेक्रीशन होता है चेस्ट का वो शक हो जाता है, जिससे पेशेंट का जो एयरवे है बिल्कुल क्लियर हो जाता है और पेशेंट इजली सांस ले लेता है। उसके बाद सक्शन जो है वो 5 to 10 seconds में करना चाहिए, ये नहीं कि हम बार बार सक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है अंदर इरोजन्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं। और सक्शन में सबसे मस्ट होता है कि उसका प्रेशर, हम किस प्रेशर से सक्शन कर रहे हैं पेशेंट को, तो हम 80 to 120 mmHg सक्शन का प्रेशर रखते हैं। उसके बाद सक्शन में क्या है, सक्शन कैथेटर जो है वो 24 hours यूज़ करना चाहिए, फिर दूसरा सक्शन कैथेटर यूज़ करना चाहिए, वो हटा देना चाहिए। और उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट की जो ट्यूब होती है उस गौज लेते हैं, उसको अच्छे से बीटाडीन से साफ करके उसके चारों तरफ बीटाडीन गौज रख देते हैं। उसके बाद एक और गौज लेते हैं, उसको 0.9% NS से डिप करके अच्छे से उसको, उसका जितना भी NS है उसको निचोड़ के सिर्फ मॉश करने के लिए वहाँ पे गौश को रख देते हैं, जिससे मॉश एरिया अंदर जाए। और ये तो हो गए ट्रैकोस्मिक केयर। उसके बाद बात कर लेते हैं उसकी ट्रैकोस्मिक ट्यूब जब डालते हैं तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रैकोस्मी, लेकिन जब ट्रैकोस्मिक ट्यूब हम निकालते हैं तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डीकैलिनेशन। थैंक यू।